ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वीसीडी नंबर 1031, क्लेरिफाइड ऑन 13/11/2008 एट नागपुर। आज का प्रैक्टिकल क्लास है 2 जुलाई 1968। टुडेज मॉर्निंग क्लास इज ऑफ द 2 जुलाई 1968। ओम शांति, ये किसने कहा? हु सेड ओम शांति? हम सो आत्मा ने कहा। आई द सोल सेड इट। हम शरीर ने तो नहीं कहा। आई द बॉडी डिडंट से इट। क्योंकि मुझे आत्मा का ही स्वधर्म शांत है। इट इज बिकॉज द स्वधर्म ऑफ मी द सोल अलोन इज पीस। तुम बच्चे जानते हो कि आत्मा का जो स्वधर्म शांत है वो कहाँ की रहने वाली है? यू चिल्ड्रन नो दैट द सोल हुज स्वधर्म इज पीस इज अ रेजिडेंट ऑफ विच प्लेस? शांति धाम की रहने वाली है। इट इज अ रेजिडेंट ऑफ द अबोड ऑफ पीस। और शांति धाम से यहाँ क्यों आए हैं? एंड व्हाई हैव वी कम हियर फ्रॉम द अबोड ऑफ पीस? यहाँ आई है पार्ट बजाने के लिए। वी हैव सर्टनली कम हियर टू प्ले अवर पार्ट्स। अभी 84 का चक्कर लगा करके पूरा किया। वी हैव कम्प्लीटेड द साइकिल ऑफ 84 बर्थ्स नाउ। अभी बाप ने समझाया है, हे बच्चे, हे आत्माओं, तुमने जो 84 का चक्र का पार्ट बजाया वो तुम नहीं जानते हो। नाउ द फादर हैज एक्सप्लेन्ड, ओ चिल्ड्रन, ओ सोल्स, यू डोंट नो द पार्ट विच यू हैव प्लेड इन द साइकिल ऑफ 84 बर्थ्स। मैं बताता हूँ कि आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है, फिर तीसरा चौथा बदलता जाता है। I tell you that the soul itself leaves one body and takes another one. Then it keeps changing from third to fourth body and so on. तुमने 84 बार शरीर धारण करके पार्ट बजाया है। You have played the part taking on the body 84 times. किसने? Who? किसने पार्ट बजाया है 84 बार? Who has played the part 84 times? आत्मा ने। The soul. तो क्या कलयुग के अंत में जो आत्माएं उतरती हैं, वो 84 का पार्ट बजाने वाली आत्मा नहीं है? Aren't the souls who descend at the end of the Iron Age the souls who play the part of 84 births? वो सदैव आत्मिक स्थिति में रहने वाली तो है ही नहीं। They aren't at all the ones who always stay in the soul conscious stage. तुम बच्चे जो 84 का पार्ट बजाते हो, You children who play the part of 84 births, और आखिरी जन्म में जब बाप आते हैं तो तुम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हो। एंड व्हेन द फादर कम्स इन द लास्ट बर्थ यू स्टेबिलाइज इन द सोल कॉन्शियस स्टेज। क्योंकि तुमने ही 84 का पार्ट बजाया है। बिकॉज ओनली यू हैव प्लेड द पार्ट ऑफ 84 बर्थ्स। फिर वही पार्ट कल्प कल्प लेते रहेंगे। You will play that very part every cycle.
जो भी 84 जन्म लिए हैं वो ही लेते रहेंगे। यू विल कंटिन्यू टू हैव द सेम 84 बर्थ्स विच यू हैड बिफोर। और जो कुछ भी जैसा भी 84 जन्म में पार्ट बजाया है वो बजाते बजाते अभी आकर के अंत हुआ है। एंड whichever, whatever part you have played in the 84 births has now come to an end after you played it continuously. बाप को तुम बच्चों ने निमंत्रण दे करके बुलाया है। You children have invited the father. जो आत्म की स्थिति में स्थित नहीं होते उन्होंने निमंत्रण देकर नहीं बुलाया है। Those who don't stabilize in the soul conscious stage haven't invited the father. क्यों? Why? क्योंकि पतित पावन सीताराम कह करके तुम बच्चे ही बुलाते हो। It is because only you children call the father saying पतित पावन सीताराम। जो बुलाते हैं वो पति से पावन भी बनते हैं। Those who call him also become pure from sinful. जो नहीं बुलाते हैं वो पतित से पावन भी नहीं बनते हैं। Those who don't call him don't become pure from sinful either. तुमने कहा बाबा आकर के हमको सतो प्रधान पतित से पावन बनाओ और ये षष्ठी चक्र कैसे फिरता है सो समझाओ। बस यू सेड बाबा कम एंड मेक अ सतो प्रधान प्योर फ्रॉम सिंफुल एंड एक्सप्लेन टू अस हाउ दिस वर्ल्ड साइकिल रोटेट्स दैट्स ऑल। और कोई बात किसी ने कही हो तो बताओ। टेल मी इफ एनीवन हैज सेड एनीथिंग अदर देन दिस। इसी बात के लिए ऋषियों मुनियों के लिए बोला जाता है कि कोई भी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। फॉर दिस वेरी रीजन इट इज सेड फॉर द सेजेस एंड सेंट्स दैट नो वन नोज द बिगिनिंग द मिडल एंड द एंड ऑफ द क्रिएटर एंड हिज क्रिएशन। अभी तुम बच्चों ने तो बाप को जाना है। नाउ यू चिल्ड्रन हैव रिकॉग्नाइज्ड द फादर। और षष्ठी चक्र को भी जाना है। एंड यू हैव अंडरस्टूड द वर्ल्ड साइकिल एज वेल। बाप का फर्ज है अपना परिचय देना। इट इज द फादर्स ड्यूटी टू गिव हिज इंट्रोडक्शन। और 84 के चक्र का नॉलेज देना। एंड टू गिव द नॉलेज ऑफ द साइकिल ऑफ 84 बर्थ्स। एक बाप को ही कहा जाता है पतित पावन ज्ञान का सागर। Only the one father is called the purifier of the sinful, the ocean of knowledge. क्यों? Why? एक सुप्रीम बाप को ही क्यों कहा जाता है? Why is only the one supreme father called so? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। It is because he doesn't come in the cycle of birth and death. और जब इस षष्ठी पर आता है एंड वेन ही कम्स टू दिस वर्ल्ड तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो पूरे 84 के चक्र में आता है। द परमानेंट चैरियट विच ही एंटर्स कम्स इन द कंप्लीट साइकिल ऑफ 84 बर्थ्स। तो पूरा ज्ञान जरूर एक में ही होगा। सर्टनली द एंटायर नॉलेज विल बी इन द वन। जो मेरे में ज्ञान है वो तुम बच्चों को देता हूँ। आई गिव यू चिल्ड्रन द नॉलेज विच इज इन मी। तुम बच्चों की आत्मा रूपी बैटरी पावरफुल बनती है नंबर वार।
द बैटरी लाइक सोल ऑफ यू चिल्ड्रन बिकम्स पावरफुल नंबर वाइज। तुम बच्चे भी जानते हो बाबा का यहाँ क्या पार्ट है। यू चिल्ड्रन ऑल्सो नो वॉट पार्ट बाबा हैज हियर। बाप ही आकर के ये सभी नॉलेज देते हैं। द फादर हिमसेल्फ कम्स एंड गिव्स ऑल दिस नॉलेज। वो ऋषि मुनि आदि तो कहते हम रचयिता रचना को नहीं जानते। दो सेजेस सेंट्स एटसेट्रा से वी डोंट नो द क्रिएटर एंड द क्रिएशन। अगर रचयिता को ही नहीं जानते हैं तो आस्था किस पर रखेंगे। इफ दे डोंट नो द क्रिएटर हिमसेल्फ हुम विल दे हैव देयर फेथ इन। वो या नास्तिक हैं। इट इज एज इफ दे आर एथिस्ट्स। एक बात ही है उनका ही फर्ज है जो आकर के बच्चों को समझाते हैं। इट इज द वन फादर अलोन इट इज ओनली हिज ड्यूटी दैट ही कम्स एंड एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रन। और रचयिता को जानना तो सेकंड का काम है। एंड टू रिकॉग्नाइज द क्रिएटर इज अ मैटर ऑफ अ सेकंड। फिर डिटेल में समझाने में समय लग जाता है। इट टेक्स टाइम टू एक्सप्लेन इन डिटेल। निश्चय बुद्धि बना और बाप का बच्चा बना। इफ समवन बिकेम द वन विद अ फेथफुल इंटेलेक्ट ही बिकेम द चाइल्ड ऑफ द फादर। अगर सारा ज्ञान सेकंड में मिल जाए तो तुम याद की यात्रा में कच्चे रह जाएंगे। इफ यू रिसीव द एंटायर नॉलेज इन अ सेकंड यू विल रिमेन वीक ऑन द जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस। इसलिए समझाने में समय लग जाता है। दिस इज व्हाई इट टेक्स टाइम इन एक्सप्लेनिंग। मनन चिंतन मंथन करके जुगाली करने में ज्ञान को अपना बनाने में टाइम लग जाता है। इट टेक्स टाइम इन थिंकिंग एंड चर्निंग द नॉलेज रूमिनेटिंग इट एंड मेकिंग इट योर ओन। इसलिए पढ़ाई वृद्धि को पाई है। दिस इज व्हाई नॉलेज हैज डेवलप्ड। बाप फिर भी डिटेल में बैठ समझाते हैं। इवन देन द फादर सिट्स एंड एक्सप्लेन्स इन डिटेल। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। हाउ दिस वर्ल्ड साइकिल रोटेट्स। याद की यात्रा में रहना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे ऑन द जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस। क्योंकि इस याद से ही तुम पावन बनते हो। बिकॉज यू बिकम प्योर ओनली थ्रू दिस रिमेम्बरेंस। जो एवर प्योर है वो ही तुमको पावन बनाते हैं। ओनली द वन हु इज एवर प्योर मेक्स यू प्योर। और पावन बनने से ही तुम उड़ जावेंगे। एंड यू विल फ्लाई ओनली बाय बिकमिंग प्योर। तुमने बुलाया ही है कि आकर के हमको पावन बनाओ। यू हैव सर्टनली कॉल्ड मी सेइंग कम एंड मेक अस प्योर। और सृष्टि चक्र का राज समझाओ। एंड एक्सप्लेन द सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड साइकिल। सृष्टि चक्र का राज जो समझाते हैं वो भी पावन बनाने के लिए साधन है। द सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड साइकिल विच ही एक्सप्लेन्स इज ऑल्सो अ मीन्स टू मेक यू प्योर। ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानती। No one knows these things in the world. फिर भी तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। Still, you certainly have to become सतो प्रधान from तमो प्रधान। और वापस अपने घर जाना ही है। And you definitely have to go back to your home. तो पवित्र तो जरूर बनना पड़े। So, you definitely have to become pure. आप पवित्र आत्माएं उड़ ही नहीं सकती। Impure souls can't fly at all. क्यों? Why?
क्यों नहीं उड़ सकती? Why can't they fly? पवित्र वो जिनमें देह का देह भान का नाम निशान न रहे। They who don't have the name and trace of body, body consciousness are pure. देह तो पांच तत्वों की बनी हुई है। The body is made up of five elements. पांच तत्वों से भारी हो जाते हैं। You become heavy with five elements. देह का भान निकल जाए तो आत्मा हल्की हो जाती है। If the consciousness of the body is removed, the soul becomes light. इस समय माया ने सभी का सर पर काट लिया। At the present time, Maya has cut everyone's wings. ज्ञान योग के पंख कटे हुए हैं। तो अपवित्र बने हुए हैं। The wings of knowledge and remembrance are cut, so you have become impure. फिर ऊपर उड़ नहीं सकते। Then you can't fly high. इसलिए तुमने बाप को बुलाया है। This is why you have called the father. तो बाप भी कहते हैं अपन को आत्मा समझो। और ये आत्मा समझने की बात तो बिल्कुल पक्की कर दो। So the father also says, consider yourself as a soul and make the subject of considering yourself as a soul absolutely firm. अमृत वेले उठते उठते पहला काम यही करो। अच्छी तरह से कूटना है, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। As soon as you wake up at Amrit Vela, do this very thing at first. You should hammer it thoroughly in your intellect. I am a point of light soul. क्योंकि यही बात तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। Because you forget this very thing now and again. और आत्मा समझने से ही बाप जरूर याद आवेगा। And only by considering yourself as a soul, you will certainly remember the father. क्योंकि आत्माओं का बाप सिर्फ आत्मा है। Because the father of the souls is just a soul. और सदैव आत्मा है। And he is always a soul. उनको कहा ही जाता है सदाशिव। He is no doubt called सदाशिव। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। The name of my soul alone is Shiv. और वो सदैव ज्योति बिंदु है। And it is always a point of light. बल पतित दुनिया में आता हूँ, पतित से पतित तन में आता हूँ, फिर भी मेरे को संग का रंग नहीं लगता पतित पने का। Although I come to the impure world in the most impure body, I am not colored by impurity. तो मेरे को याद करेंगे तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। If you remember me, you will become pure from impure. अपन को निश्चय करने से कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, आत्माओं का बाप जरूर याद आवेगा। If you make firm, I am a point of light soul, you will certainly remember the father of the souls. मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। Consider, I am a soul, I am not a body. आत्मा समझने से ही शरीर का भान टूटेगा। The consciousness of the body will be destroyed only by considering yourself as a soul. तो पहली बात बाप रियलाइज कराते हैं। The first thing that the father makes us realize is. कौन सी बात? What is it? है? मैं आत्मा हूँ। I am a soul. और मुझे आत्मा में
84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। एंड द पार्ट ऑफ 84 बर्थ्स इज फिल्ड इन मी द सोल। उसे रियलाइज करना है कि कैसे कैसे कौन कौन से देश विदेश में देश में और कौन से कौन से नाम रूप से मैंने ये पार्ट बजाए हैं। यू शुड रियलाइज इट एज टू हाउ इन विच कंट्रीज एंड विथ विच नेम एंड फॉर्म आई हैव प्लेड दोज पार्ट्स। आत्मा पार्टधारी है। द सोल इज एन एक्टर। तो पार्टधारी को अपने पार्ट का पता होना चाहिए। द एक्टर शुड नो हिज पार्ट। परंतु पहले अपन को आत्मा पक्का करना पड़े। क्यों? बट फर्स्ट यू हैव टू मेक इट फर्म दैट यू आर अ सोल। व्हाई? क्योंकि तुम आत्मा अविनाशी हो। इट इज बिकॉज यू सोल्स आर इम्पेरिशेबल। अच्छा, और आत्मा अविनाशी नहीं है? अच्छा, aren't the other souls imperishable? है या नहीं? आर दे और नॉट? है। उनके पार्ट का विनाश नहीं होता है। स्टूडेंट दे आर दे डजंट देयर पार्ट गेट डिस्ट्रॉयड? ऑलराउंड पार्ट बजाती है। डू दे प्ले एन ऑलराउंड पार्ट? नहीं बजाती। दे डोंट। तो उनके पार्ट का विनाश होता है। सो देयर पार्ट इज डिस्ट्रॉयड। और तुम्हारे पार्ट का विनाश नहीं होता है। तुम ऑलराउंड 84 जन्मों का पार्ट बजाने वाले हो। योर पार्ट इज नॉट डिस्ट्रॉयड। यू आर द वंस हु प्ले एन ऑल राउंड पार्ट ऑफ 84 बर्थ्स। ये शरीर रूपी ऑर्गन्स तो विनाशी है। दिस बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन्स इज पेरिशेबल। आत्मा ही अविनाशी है। ओनली द सोल इज इम्पेरिशेबल। और आत्मा ही पतित बनी है। द सोल इटसेल्फ हैज बिकम इम्प्योर। सोने में खाद पड़ गई है। देर आर इम्प्यूरिटीज इन गोल्ड। तो साफ बात है। सो इट इज क्लियर। बाकी शारीरिक कोई बीमारी आदि होती है तो जाओ सर्जन के पास। एज फॉर द रेस्ट इफ यू हैव एनी फिजिकल इलनेस एटसेट्रा गो टू द सर्जन। इसमें बाबा क्या करेगा? वॉट विल बाबा डू इन इट? शरीर की बीमारी के लिए बाबा जिम्मेवार नहीं है। बाबा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलनेस ऑफ द बॉडी। क्यों? व्हाई? क्यों जिम्मेवार नहीं है? व्हाई इज नॉट ही रिस्पॉन्सिबल? है पूर्व जन्म के कर्म। हाँ, क्योंकि पूर्व में जो जन्म लिए हैं शरीर को धारण करके देह भान में आकर के जो विकर्म किए हैं वो पाप कर्म तो तुमको ही भोगने पड़ेंगे। स्टूडेंट सेड समथिंग। यस, इट इज बिकॉज द रॉन्ग एक्शंस विच यू हैव परफॉर्म्ड बाय टेकिंग ऑन अ बॉडी बाय बिकमिंग बॉडी कॉन्शियस इन द बर्थ्स यू हैड इन द पास्ट यू योरसेल्फ्स विल हैव टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दोज सिनफुल एक्शंस। कोई में अपवित्र सोल आती है तो जाओ उन सोल निकालने वालों के पास। इफ एन इम्प्योर सोल एंटर्स समवन गो टू दोस एग्जॉर्सिस्ट्स। इसमें मैं क्या करूंगा? व्हाट विल आई डू इन इट? मेरा ये कोई धंधा नहीं है। ये तुम्हारे से जिन आत्माओं का हिसाब किताब है उन आत्माओं को भगाता रहूं। इट इज नॉट माई टास्क टू कीप रिमूविंग द सोल्स विथ हुम यू हैव कार्मिक अकाउंट्स। हिसाब किताब जोड़ा किसने? हु हैज फॉर्म्ड द कार्मिक अकाउंट्स? मैंने जोड़ा क्या?
हैव आई फॉर्म्ड देम। मैंने कहा इन हत्या करने वाले सुइसाइड करने वाली आत्माओं के साथ तुम संकरंग करके हिसाब किताब जोड़ो। Did I ask you to take the color of the company of the souls who kill others and commit suicide and form karmic accounts with them? तुमने खुद ही जोड़ा है तो खुद ही प्रयास करो उनके संग के रंग से निकलने का। You yourselves have formed it, so you yourself try to come out of the color of their company. बाकी साफ बात बताता हूँ कि वो आत्माएं तो देहभान में रहने वाली है, इसलिए सूक्ष्म देहभान उनका रह जाता है। As for the rest, I tell you clearly that those souls stay body conscious. This is why their subtle body consciousness remains. शरीर स्थूल छूट जाता है। They leave their physical body. और तुम तो पूरे 84 जन्म लेने वाली हो। Whereas you are the ones who have complete 84 births. तुम्हारे सूक्ष्म शरीर का देहभान भी पूरा खलास हो जाता है। The body consciousness of your subtle body is also destroyed completely. बाकी जो पूर्व जन्मों में हिसाब किताब जोड़ा है वो तो पूरा करना पड़े। As for the rest, you have to settle the karmic accounts you have formed in your previous births. हमारा तो धंधा है सिर्फ पतित आत्मा को पावन बनाने का। My task is only to make the impure souls pure. सो भी एक बाप को याद करेंगे तो पतित से पावन बनेंगे। That too, you will become pure from impure when you remember the one father. बाकी अमुक सोल आती है। As for the rest, if a certain soul enters, ये सब धंधा तो 63 जन्मों से चला आया है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। All this has been going on for 63 births. I can't do anything in it. इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। I have no connection with it. कोई बीमार पड़े और वो समझे कि बाबा तो भगवान है, हमको कोई दवाई देंगे तो हम बीमारी से छूट जाएंगे। If someone falls ill and he thinks that Baba is God, if he gives me some medicine, I will recover from illness. नहीं। No. बाबा कहते हैं मेरा ये काम नहीं है। Baba says this isn't my task. भला ड्रामा अनुसार कब कुछ न कुछ बता ही देता हूँ। Although sometimes I tell something or the other according to the drama. वो भी सिर्फ खुश करने के लिए। That too, just to make them happy. परंतु मेरा कोई ये धंधा नहीं है। But it isn't my task. मुझे बुलाया ही आकर के पति से पावन बनाओ। You have certainly called me saying, come and make us pure from impure. तो मैं आया हुआ हूँ। So I have come. अभी कहता हूँ मुझे याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। Now I tell you, if you remember me, you will become pure. और तो कोई काम के लिए मैं नहीं आया हूँ। I haven't come for any other task. बीमारी आदि के लिए तो डॉक्टर आदि बैठे हुए हैं। Doctors etc. are present to cure diseases etc. और भूत निकालने वाले भी ढेर बैठे हैं। And there are also many exorcists. मैं तो आया ही हुआ हूँ नई बात बताने के लिए। I have certainly come to tell you new things. मुझे बुलाया है कि आकर के पावन बनाओ तो हम शांति धाम सुख धाम जावे। I have been called saying, come and make us pure
so that we go to the abode of peace and the abode of happiness. और इन दुखों से छूट जावे and become free from these sorrow. बाकी ये जो प्रवेशता आदि होती है, बीमारी आदि होती है, ये तो तुम्हारे अपने ही कर्मों का भोग है, जो तुम्हें खुद ही भोगना पड़ेगा. As for the rest, the entrance of some soul, diseases, etc., is the result of your own actions, which you yourself will have to suffer. कोई को दुख दिया है, तो बदला लेने के लिए आते हैं. If you have given sorrow to someone, they come to avenge. कौन? Who? है? जो soul वगैरह आती है. The souls, etc., that enter. वो किस लिए आती है? Why do they enter? पूर्व जन्मों का अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए आती है. They enter to settle the karmic accounts of their previous births. इसमें बाबा का कोई कनेक्शन नहीं है. There isn't any connection of Baba in it. ये पुरानी रस्म चली आ रही है भक्ति मार्ग की. This is the old custom of the path of bhakti which has been continuing. बाकी ऐसे नहीं कि बाबा सर्वशक्तिमान है तो वो क्या नहीं कर सकता है. As for the rest, it isn't that Baba is omnipotent, so he can do anything. बीमारी को भी खत्म कर सकता है. He can also cure disease. नहीं. No. ऐसे ख्यालात तब कोई न रखे. No one should ever have such thoughts. मैं अल्पकाल के लिए प्राप्ति कराने आता हूँ या सदाकाल की प्राप्ति कराने आता हूँ? Do I come to make you attain momentary attainments or do I come to make you attain everlasting attainment? तुमने जिस काम के लिए बुलाया है, मैं तो वो ही काम जानता हूँ. I know just the task for which you have called me. दूसरे धंधे मैं नहीं जानता हूँ, ये जानता होगा. I don't know other businesses. This one may know them. तो ऐसे नहीं कि शिव बाबा हमारी बीमारी को आज ठीक कर दो. So it isn't that you say, Shiv Baba, cure our disease today itself. शिव बाबा ऐसी बातें सुनते ही नहीं. शिव बाबा doesn't listen to such things at all. सुनते ही नहीं, कोई सुनाता है तो सुनते नहीं है. He doesn't listen to them at all. Doesn't he listen to them when someone tells him? है? सुनते हुए? नहीं सुनते. He doesn't listen despite listening. साफ कहते हैं ये तो तुम्हारा कर्म भोग है. He says it clearly, it is your karma bhog. ये कर्म भोग काटना कोई बाबा का काम नहीं है. It isn't Baba's task to settle the karma bhog. कोई कोई आस रखते हैं बाबा के ऊपर. Some hope from Baba. कि बाबा भगवान है तो क्या नहीं कर सकता. He is God, so he can do anything. बाबा कहते हैं मैं अपना काम करने आया हूँ. बाबा says, I have come to accomplish my task. और तो कुछ भी नहीं कर सकता. I can't do anything else. मेरा पार्ट अलग है. My part is different. मैं सिर्फ तुमको पावन बनाकर षष्ठ चक्र का राज सुना करके चक्रवर्ती राजा बनाने का रास्ता बताता हूँ. I just make you pure, explain to you the secret of the world cycle, and tell you the way of becoming an emperor. Second page of the Vani dated 2nd July 1968. बाकी तो और सभी बातें भूल जाओ. Forget all the rest of the things. इन सभी बातों में जाना ये बाबा का काम नहीं है. It isn't Baba's task to become involved in all these things. सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो.
ही जस्ट सेज रिमेम्बर मी। और मुझे जितना याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ। द मोर दे रिमेम्बर मी आई ऑल्सो रिमेम्बर देम टू द सेम एक्सटेंट। याद करना माना प्यार करता हूँ। टू रिमेम्बर मीन्स आई लव देम। याद माने क्या? वॉट डज रिमेम्बरेंस मीन? किसी की याद क्यों आती है? Why do you remember someone? उससे लगाव होता है, प्यार होता है तो याद आती है। If you have attachment to someone or love someone, you remember him. रावण को कोई याद करता है क्या? Does anyone remember रावण? वो तो रुलाने वाले का नाम रावण है। The name of the one who makes people cry is रावण। वो थोड़ा याद आता है। He isn't remembered. कोई अनन्य बच्चे हैं जो ईश्वरीय सर्विस करके आते हैं उनको मैं आफरीन देता हूँ। देर आर सम यूनिक चिल्ड्रन हुम आई अपलॉड आफ्टर दे रिटर्न फ्रॉम ईश्वरीय सर्विस। क्योंकि ये बच्चे बहुतों का कल्याण करते हैं। इट इज बिकॉज दीज चिल्ड्रन ब्रिंग बेनिफिट टू मेनी। ये आफरीन है। इट इज एन अपलॉड। शाबाश बच्चे। वेल डन चिल्ड्रन। प्यार आता है ना? ही फील्स लव फॉर देम डजंट ही। कोई बच्चा बाप की दुकान संभालता है और बच्चे निठल्ले बैठे रहते हैं तो बाप का प्यार किसके ऊपर जावेगा? If some child looks after the father's shop while the other children keep sitting idle, in that case, who will the father feel love for? है? जो दुकान संभालेगा उसके ऊपर प्यार जाएगा? He will feel love for the one who looks after the shop. तो बाप फिर भी समझाते हैं। The father still explains. अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। Consider yourself as a soul and remember the father. अपन को आत्मा भूलने से ही फिर बाप को भूल जाते हो। You forget the father only when you forget yourself to be a soul. फिर देह बहना जाता है। And then you become body conscious. तो पहले पहले तो यही निश्चय करो कि हम आत्मा हैं और वो हमारा बाप है। So first of all, make this firm that you are a soul and he is our father. हम आत्मा हैं और वो हमारा बाप है। We are souls and he is our father. जो बोलने वाला है वो सामने नहीं बैठा है। Isn't the one who is speaking sitting in front? ये निश्चय कर या कब की वाणी है? इट इज द वाणी ऑफ विच टाइम? 68 की वाणी है, ब्रह्मा के तन में बोली है। इट इज द वाणी ऑफ 1968। इट हैज बीन नरेटेड थ्रू द बॉडी ऑफ ब्रह्मा। तो ऐसे क्यों बोला कि पहले पहले ये निश्चय करो कि हम आत्मा हैं और वो हमारा बाप है? देन व्हाई डिड ही से फर्स्ट मेक दिस फर्म दैट यू आर अ सोल एंड ही इज अवर फादर? अरे बाप तो सामने बैठा है ना? अरे द फादर इज सिटिंग इन फ्रंट इजंट ही? फिर वो हमारा बाप दूर क्यों कर दिया? देन व्हाई डिड ही मेक हिम डिस्टेंट सेइंग ही इज अवर फादर? क्योंकि जो सामने बैठा है वो तो जब अंत मते सो आई गते हो गई आत्मिक स्थिति में स्थिर नहीं रह सका। इट इज बिकॉज द वन हु इज सिटिंग इन फ्रंट हिज फाइनल थॉट्स लेड हिम टू हिज फाइनल डेस्टिनेशन ही कुडंट स्टेबिलाइज इन द सोल कॉन्शियस स्टेज। सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ा। ही हैड टू टेक ऑन द सटल बॉडी। सूक्ष्म देह बहन आ गया। ही बिकेम बॉडी कॉन्शियस इन अ सटल फॉर्म। मैं जब आता हूँ और बाप के रूप में आता हूँ
तो जिस तन में मुकर रथ में आता हूँ उसको आप समान बना करके जाता हूँ। When I come and when I come in the form of the father, the body, that is the permanent chariot which I enter, I make him equal to myself and go. इसलिए बोला कि वो हमारा बाप है। This is why it is said he is our father. ये हमारा बाप नहीं है, कौन? This one is not our father. Who? ब्रह्मा। ब्रह्मा। और बाप की पहचान बताई। And he gave the recognition of the father. कि बाप तो सर्वथा सदगति दाता है। That the father is the giver of true liberation to all. क्या? What? सर्वथा बाप है या कोई लिमिटेड का बाप है? Is he the father of everyone or is he the father of the limited ones? ब्रह्मा है तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप है। If it is Brahma, he is the father of the Brahma Kumars and Kumaris. Christ है तो Christians का बाप है। If it is Christ, he is the father of the Christians. बुद्ध है बौद्धियों का बाप है। बुद्धा is the father of the Buddhists. सबका बाप तो नहीं है और मैं तो? He certainly isn't the father of everyone. And I am. मैं तो सबका बाप हूँ। I am the father of everyone. तो सर्व की सदगति करता हूँ। So I bring सदगति to all. कम से कम एक जन्म की सदगति तो सबको देता हूँ। I do give सदगति of minimum one birth to everyone. तो पहले पहले तुम आत्मा को भूल जाते हो तो माया के तूफान आते हैं। At first you forget the soul, so the storms of maya come. माया के तूफान आने का कारण क्या बताया? What reason is mentioned for the storms of maya to come? है? आत्म की स्थिति में नहीं रहते देह भान में आते तो माया के तूफान आते। The storms of माया कम when यू डोंट स्टे इन द सोल कॉन्शियस स्टेज एंड बिकम बॉडी कॉन्शियस। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। देर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन्वॉल्व इन बिकमिंग सोल कॉन्शियस। और तुम्हारा तो एम ऑब्जेक्ट ही है विश्व का मालिक बनना। Your aim and objective itself is to become the master of the world. Narsi Narayan aur Nari se Lakshmi banna hai. You have to become Narayan from a man and Lakshmi from a woman. Parantu ye bhi jante ho ki jo tumhara aim object hai Lakshmi Narayan banne ka. But you also know that your aim and objective of becoming Lakshmi and Narayan. वो Lakshmi Narayan भी सदैव तो इकट्ठे नहीं रहते हैं। Even they don't stay together forever. रहते हैं क्या? है? Do they stay together? नहीं। No. सदैव तो किसका भी राज्य नहीं चल सकता। Nobody's kingdom can be forever. लिमिट है 21 जन्मों की, 21 पीढ़ी। There is a limit of 21 births, of 21 generations. और 21 पीढ़ी की मैं गारंटी देता हूँ। And I give you the guarantee of 21 generations. ये तो जानते हो, वहाँ आयु बड़ी हो जाती है। You do know that the lifespan becomes long there. क्यों बड़ी हो जाती है? Why does it become long there? यहाँ आयु कम क्यों हो जाती है? Why does the lifespan become short here? नहीं, यहाँ आयु कम इसलिए हो जाती है कि हम देह भान में रहते हैं।
Student, there are few births there. No, here the lifespan becomes short because we stay in body consciousness. जो हमारी ओरिजिनल स्थिति है उसमें नहीं रहते। We don't stay stable in our original stage. और वहाँ आयो लंबी क्यों हो जाती है? Why does the lifespan become long there? क्योंकि वहाँ जो हमारी ओरिजिनल स्थिति है आत्मा की ज्योति बिंदु उस स्वरूप की याद में रहते हैं। It is because there we stay in the remembrance of the original stage of the soul, that is point of light. तो वहाँ पवित्र होने के कारण हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ रहती है। There is health, wealth, happiness and everything because of being pure. काया निरोगी हो जाती है। The body becomes free of diseases. सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण भी होते हैं। They are also complete in all virtues and complete with 16 celestial degrees. और ये भी जानते हो कि ये चक्र 5000 वर्ष का है। And you also know that the cycle is of 5000 years. इन 5000 वर्षों में तुम 84 जन्म लेते हो। You have 84 births in these 5000 years. वे लोग 84 जन्म नहीं लेते हैं। कौन? They don't have 84 births. Who? जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। The souls who convert to the other religions. तुम 84 जन्म लेते हो। You have 84 births. तो ये बात पक्की कर देनी चाहिए कि हम ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले बाप के बच्चे पक्की आत्मा हैं। So you should make this firm that we are the children of the father, a true soul who play an all-round part. हर 5000 वर्ष के बाद हम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाते हैं। After every 5000 years, we descend from above and ascend from below. हर एक जन्म के बाद थोड़ा-थोड़ा आत्मा की शक्ति क्षीण होती रहती है। After every birth, the power of the soul keeps reducing little by little. क्यों? Why? सत्युग त्रेता में देवन फिर आत्मा की शक्ति क्षीण होती है कि नहीं? Is there body consciousness in the golden and the silver age? Someone said there isn't. Then, does the power of the soul diminish there or not? वहाँ भी और धर्मों में जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, वो सतयुग में उतरती हैं या नहीं उतरती हैं? उतरती हैं। There too, do the souls who convert to the other religions descend in the golden age or not? They do. कम जन्म लेने वाली ढेर की ढेर आत्माएं उतरती हैं। Great number of souls who have fewer births descend. उनके संग के रंग में आने से दो कलाएं कम हो जाती हैं। By coming in the color of their company, two celestial degrees decrease. तो हर एक जन्म के बाद थोड़ा थोड़ा कमती होता जाता है। So the power of the soul keeps diminishing little by little after each birth. ये शरीर भी ऐसे ही बूढ़ा बनता है। This body also becomes old in the same way. सत्युग त्रेता में तो बुढ़ापा होता ही नहीं। There isn't old age in the golden and the silver age at all. देवहान आता है तो बुढ़ापा भी होता है। When you become body conscious, you become old as well. इनको कहा जाता है जर्जरी भूत अवस्था। It is called dilapidated condition, जड़जड़ीभूत अवस्था। चैतन्य आत्मा की स्मृति खत्म हो जाती है। The consciousness of the living soul is finished. सतयुग में जड़जड़ीभूत अवस्था ये अक्षर काम में नहीं आते हैं।
the words like dilapidated condition aren't used in the golden age. क्यों? Why? क्योंकि वहां तो चैतन्य आत्मा की स्मृति रहती है. It is because there is the consciousness of the living soul there. तो यहाँ ही समझाया जाता है कि जर्जरी भूत अवस्था क्या होती है. So you are explained only here as to what the dilapidated condition is. यहाँ बूढ़े होते हैं तो बूढ़े होते होते एकदम बेहाल हो जाते हैं. Here when they become old their condition becomes worse. इंद्रियों में कोई भी शक्ति नहीं रहती. No power is left in their indriya. फिर समझते हैं कहाँ ये शरीर छूट जाए तो अच्छा है. Then they think it is good if we die. ये नहीं समझते हैं कि ये हमारा ही कर्म भोग है. They don't think it is our own karma bhog. उस कर्म भोग का तो हिसाब भोगना ही पड़ेगा. You will definitely have to undergo the consequences of that karma bhog. बाकी सत्युग में तो तुम्हारा कर्म विकर्म बनता ही नहीं है. As for the rest, your actions don't become wrong actions at all in the golden age. क्यों नहीं बनता है? Why don't they become that? क्योंकि वहाँ देवान होता ही नहीं है. It is because there is no body consciousness at all there. बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं. The father explains the dynamics of actions, neutral actions and wrong actions. कर्म क्या है? What are actions? श्रीमती के अनुकूल जो भी कर्म किए जाते हैं देवान में रहकर भी वो कर्म सत्कर्म होते हैं या विकर्म होते हैं. Whatever actions are performed according to Srimat, despite being in body consciousness, are those actions true actions or wrong actions? सत कर्म होते हैं. They are true actions. और याद में रहकर के जो कर्म किए जाते हैं, पक्की याद में रहकर के जो कर्म किए जाएंगे वो अकर्म बन जाते हैं. And the actions that are performed being in remembrance, the actions that are performed being in true remembrance become neutral actions. जैसे सत्युग त्रेता में आत्म की स्थिति में रहते हैं तो कर्म अकर्म बन जाते हैं. Just like when you stay in the soul conscious stage in the golden and the silver age, your actions become neutral actions. और विकर्म कब बनते हैं? And when do they become wrong actions? देवान में रह करके जब हम विपरीत कर्म करते हैं श्रीमत के तो पाप कर्म बन जाते हैं. When we perform actions opposite to श्रीमत, staying in body consciousness, the actions become sinful actions. वहां तुम जो कर्म करते हो वो अकर्म हो जाता है. Whatever actions you perform there become neutral actions. यहाँ भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है. कैसी? You should make such practice here as well. How? है? क्या प्रैक्टिस करनी है? What practice should you make? कि ऐसी गहरी याद में रहे जिसमें देवान का नाम निशान भी न हो भी. You should stay in such deep remembrance that there shouldn't be even the trace of body consciousness in it. देह और देह की इंद्रियों का भान ही नहीं होगा तो पाप कर्म बनेगा ही नहीं. You won't commit sinful actions at all if you won't have the consciousness of the body and the indriya of the body. वहां विकर्म क्यों नहीं बनता? Why don't you commit wrong actions there? क्योंकि वहां रावण का राज्य नहीं होता है. It is because there isn't the kingdom of Ravan there.
भले रावणी धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं तो होती हैं, होती हैं या नहीं? Although the souls which convert to the religions of Ravan will be present there, will they be present or not? कम कला वाली आत्माएं, कमजोर आत्माएं सतयुग त्रेता में परम धाम से उतरती है या नहीं? Do the souls with fewer celestial degrees, the weak souls, descend in the golden and the silver age from the supreme abode or not? हैं? उतरती हैं, लेकिन अंतर क्या होता है? They do descend, but what is the difference? हैं? संस्कार मर्ज हो जाते हैं। वो आत्माएं उतरती तो हैं और ढेर की ढेर संख्या में उतरती हैं, परंतु जो उतरने वाली आत्माएं हैं वो 84 जन्म लेने वाली नहीं है। Those souls do descend. In addition, they descend in great number. But the souls which descend aren't the ones who have 84 births. जब टाइम आता है द्वापर युग का, द्वैतवादी युग, तो इतनी कमजोर पड़ जाती हैं कि दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रहती हैं। When the time of the copper age, the age of dualism arrives, they become so weak that they keep converting to the other religions. फट से रावण के चंबे में आ जाती है। They immediately come in the clutches of Ravan. जो 84 जन्म लेने वाले बच्चे हैं, वो द्वापर युग के पहले जन्म में या आदि के जन्मों में, द्वापर के आदि में रावण के चंबे में आवेंगे क्या? Will the children who have 84 births come in the clutches of Ravan in the first birth of the copper age or the births in the beginning of the copper age? नहीं आवेंगे। They won't. क्योंकि पावरफुल आत्माएं बनती है। Because they become powerful souls. बाप की याद से। By the remembrance of the father. तो सतयुग में तुम विकर्मा जीत होते हो। So in the golden age you become victorious over the wrong actions, विकर्मा जीत। फिर द्वापर युग से विकर्मी बनते हो। Then you become विकर्मी, those who perform wrong actions from the copper age. विपरीत कर्म कब होते हैं? When do you perform wrong actions? है? जब रावण राज्य में हम रावण के प्रभाव में आ जाते हैं, तब विपरीत कर्म होते हैं। When you come under the influence of Ravan in the kingdom of Ravan, you perform wrong actions. यथा राजा तथा प्रजा हो जाती है। As is the king, so do the subjects become. तो नाम ही पड़ा है विकर्मी संवत। So its very name is the विकर्मी era. विकर्माजीत संवत और विकर्मी संवत। The विकर्माजीत संवत and the विकर्मी संवत। द्वापर युग से विकर्मी बनते हो। You become विकर्मी from the copper age. कारण क्या हुआ? What is the reason? विकर्मी बनने का कारण क्या हुआ? What is the reason of becoming विकर्मी? है? क्योंकि द्वैतवादी युग शुरू हो गया। It is because the dualistic age began. सत्युग त्रेता में अद्वैत एक का राज्य था। उसका There was non-dualism, the kingdom of the one in the golden and the silver age. Whose? सत्युग त्रेता में जो राज्य चलता है वो किसका राज्य था? राम राज्य था। Whose kingdom was it in the golden and the silver age? It was the kingdom of Ram. और द्वापर युग से द्वैतवादी धर्म आ जाते हैं, द्वैतवादी राजाएं आ जाते हैं, द्वैतवादी राज्य चलता है,
अनेक मत हो जाते हैं, अनेक कुल हो जाते हैं, अनेक भाषाएं हो जाती है। द ड्यूलिस्टिक रिलीजन्स अराइव, ड्यूलिस्टिक किंग्स इमर्ज, देर इज ड्यूलिस्टिक रूल फ्रॉम द कॉपर एज, देर आर सेवरल ओपिनियंस, सेवरल क्लैंस एंड सेवरल लैंग्वेजेस। फिर विकर्मी संवत कहा जाता है। देन इट इज कॉल्ड द विकर्मी संवत। भारतवासियों को इन बातों का पता ही नहीं रहता है। कि विकर्मी संवत कब से शुरू हुआ, क्या हुआ? द रेजिडेंट्स ऑफ भारत डोंट नो दीज थिंग्स एट ऑल एज टू फ्रॉम व्हेन डिड द विकर्मी संवत बिगिन, व्हाट हैपेंड। तो देखो कितना बड़ा धक्का लग जाता है। सो लुक दे रिसीव सच अ बिग ब्लो। टपना आदि जो भी बनाते हैं ये सभी भक्ति मार्ग है। ऑल दिस टपना एटसेट्रा दैट दे मेक इज द पाथ ऑफ भक्ति। टपना मीन्स पंचांग विच इज एन ऑल्मेनैक ट्रीटिंग 5 topics। वहाँ सतयुग त्रेता में कोई ज्योतिषी आदि नहीं होते हैं। देर aren't any astrologers एटसेट्रा देर इन द गोल्डन एंड द सिल्वर एज। रावण द्वारा तुमको आधा कल्प का श्राप मिलता है। यू रिसीव कर्स फॉर हाफ अ साइकिल फ्रॉम रावण। यहाँ तुमको वर मिलता है। एंड हियर यू रिसीव बून। रावण श्राप देता है और राम तुमको वर देते हैं। रावण कर्सेज यू एंड राम गिव्स यू बून। तो ये राम रावण का खेल बना हुआ है। दिस इज द गेम ऑफ राम एंड रावण। परंतु राम त्रेता वाला समझ लिया है। बट दे हैव थॉट हिम टू बी राम ऑफ द सिल्वर एज। क्या त्रेता में रावण होता है? इज देयर रावण इन द सिल्वर एज? वहाँ रावण तो होता ही नहीं। रावण इजंट देयर एट ऑल। तो राम रावण का युद्ध है या राम रावण का खेल काएगा? देन वेर इज द वॉर और द गेम ऑफ राम एंड रावण? कहाँ की बात हुई? इट इज अबाउट विच प्लेस? द्वापर युग से रावण आता है। रावण कम्स फ्रॉम द कॉपर एज। और राम और राम संप्रदाय की 84 जन्म लेने वाली आत्माएं उन रावण संप्रदायों से टक्कर लेती रहती है। राम एंड द सोल्स बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी ऑफ राम हु हैव 84 births कीप कन्फ्रंटिंग विद दोज बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी ऑफ रावण। बाकी त्रेता वाले राम की कोई बात नहीं है। एज फॉर द रेस्ट इट इजंट अबाउट राम ऑफ द सिल्वर एज। बाप कहते हैं ये गीता भी झूठी, तो भागवत और महाभारत भी झूठा हो जाता है। द फादर सेज व्हेन दिस गीता इज फॉल्स द भागवत एंड महाभारत आल्सो बिकम फॉल्स। अभी तुमको कहते हैं शास्त्र पढ़ते हो। नाउ दे टेल यू यू रीड स्क्रिप्चर्स। पूछते हैं तुम शास्त्र पढ़ते हो। दे आस्क यू डू यू रीड स्क्रिप्चर्स। शास्त्रों को मानते हो। डू यू बिलीव इन द स्क्रिप्चर्स। बाबा ने समझाया है, तुम बोलो कि हमने जितने शास्त्र पढ़े हैं और किसी ने पढ़े ही नहीं होंगे। बाबा हैज एक्सप्लेन्ड, टेल देम नो वन एल्स मस्ट हैव रेड एज मेनी स्क्रिप्चर्स एज वी हैव रेड। जन्म जन्मांतर हमने शास्त्र पढ़े। वी हैव रेड स्क्रिप्चर्स बर्थ आफ्टर बर्थ। परंतु अभी हमने समझ लिया है कि अनेक मनुष्य गुरुओं द्वारा लिखे हुए शास्त्रों से दुनिया की सदगति नहीं हो सकती। बट नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट द वर्ल्ड कांट अटेन सदगति बाय द स्क्रिप्चर्स रिटन बाय मेनी ह्यूमन गुरुज। सदगति तो सिर्फ ज्ञान से होती है। सदगति इज अटेंड ओनली थ्रू नॉलेज।
और ज्ञान दाता सिर्फ एक है। एंड द गिवर ऑफ नॉलेज इज ओनली द वन। बाकी तो सभी अज्ञान सुनाते हैं। ऑल द रेस्ट नरेट इग्नोरेंस। बाकी सब भक्ति मार्ग है। ऑल द रेस्ट इज द पाथ ऑफ भक्ति। ये शास्त्र भी भक्ति मार्ग के हैं, जिनसे 2500 वर्ष से मनुष्य की मेंटलिटी की दुर्गति होती आई है। दी स्क्रिप्चर्स ऑल्सो बिलोंग टू द पाथ ऑफ भक्ति थ्रू विच द मेंटेलिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स हैज बीन डिग्रेडिंग फॉर 2500 ईयर्स। तो अभी तो हम सदगति की तरफ जाते हैं। सो नाउ वी मूव टूवर्ड्स सदगति। अभी हम दुर्गति की तरफ जाने वाले नहीं है। नाउ वी वोंट मूव टूवर्ड्स डिग्रेडेशन। मनुष्य मत से होती है दुर्गति और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान की मत से होती है सदगति। डिग्रेडेशन टेक्स प्लेस थ्रू द ओपिनियन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड सदगति टेक्स प्लेस थ्रू द डायरेक्शन ऑफ गॉड द मोस्ट एलिवेटेड वन। ये स्लोगन तो घर घर में टांग दो। हैंग दिस स्लोगन इन ईच एंड एवरी हाउस। क्या? वॉट? श्रीमत से सदगति, मनुष्य मत से दुर्गति और मनुष्य मत से दुर्गति। सदगति टेक्स प्लेस थ्रू श्रीमत एंड डिग्रेडेशन टेक्स प्लेस थ्रू द ओपिनियन ऑफ ह्यूमन बींग्स। बाप कहते हैं अभी मनमना भव हो जाओ। द फादर सेज बिकम मनमना भव नाउ। मेरे मन में समा जाओ। मर्ज इन माई माइंड। बाप को मन होता है? डज द फादर हैव माइंड? है? अरे शिव ज्योति बिंदु बाप जो सुप्रीम सोल है उसको मनुआ है। अरे शिव द पॉइंट ऑफ लाइट फादर हु इज द सुप्रीम सोल डज ही हैव माइंड मनुआ? नहीं है। स्टूडेंट ही डजंट। डजंट ही है? त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है कि नहीं? इज ही कॉल्ड त्रिमूर्ति शिव और नॉट? है? त्रिमूर्ति शिव तो कहा जाता है। ही सर्टनली कॉल्ड त्रिमूर्ति शिव। तो उनमें जो सबसे नीची वाली मूर्ति है वो मनुआ है या नहीं है? सो इज द लोएस्ट पर्सनैलिटी अमंग देम द माइंड और नॉट? छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? है मनुआ। वॉट इज द स्मॉल चाइल्ड कॉल्ड? हे मनुआ। तो ब्रह्मा रूपी मन है जो पहली मूर्ति तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होती है। सो द माइंड इज इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्मा विच इज रिवील्ड एज द फर्स्ट पर्सनैलिटी इन फ्रंट ऑफ यू चिल्ड्रन। ये मन रूपी घोड़ा भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड द हॉर्स लाइक माइंड एज वेल। परंतु ये मेरा मन नहीं है। बट इट इजंट माई माइंड। शिव को मन होता है क्या? डज शिव हैव माइंड? शिव सदैव अमन है या मन वाला है? इज शिव ऑलवेज अमन और डज ही हैव माइंड? वो तो अमन चैन करने वाला है। ही इज द वन हु एस्टैब्लिशेस पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जो खुद ही अमन चैन करने वाला है, अमन चैन की दुनिया बनाने वाला है, वो मन वाला कैसे होगा? हाउ कैन द वन हु हिमसेल्फ एस्टैब्लिशेस पीस एंड प्रॉस्पेरिटी हु क्रिएट्स द वर्ल्ड ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बी द वन हैविंग माइंड? वो तो सिखाता है कि मन को दमन कैसे किया जाए, मन को कंट्रोल कैसे किया जाए। He teaches how to repress the mind, how to control the mind. तो फिर किसको मन होता है? Who has the mind then? है? जिस प्रजापिता में प्रवेश करते हैं वो प्रजापिता में
मनन चिंतन करने वाली मनन शक्ति भी है। प्रजापिता whom he enters also has the power of mind which thinks and churns। वो उसकी रचना है पहली पहली। He is his first creation। कौन है पहली रचना? Who is the first creation? जो नारायण है विश्व का मालिक, उसकी पहली पावरफुल रचना कौन है? Who is the first powerful creation of Narayan? Who is the master of the world? है? ब्रह्मा। ब्रह्मा कृष्ण के रूप में जन्म लेता है पहले पत्ते के रूप में। He is born in the form of Krishna, the first leaf। तो रचना हुई ना? So he is the creation, isn't he? तो मन मना भव, मेरे मन में समा जा। मन मना भव, मर्ज इन माई माइंड। जब मेरे कहा तो कोई दूसरा है या नहीं है? When it is said my, is there someone else or not? कि एक सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु ही है। और इज इट ओनली द वन सुप्रीम सोल द पॉइंट ऑफ लाइट? है मैं और मेरा, ये दो बातें हैं या एक है? मी एंड माई, आर दीज टू डिफरेंट वर्ड्स और इज इट वन? दो चीजें। दे आर टू वर्ड्स। मैं जो सदा शिव है, आई एम द वन हु इज ऑलवेज शिव, और मेरा जिस मुकर्रर रथधारी में मैं प्रवेश करता हूँ वो मेरा बच्चा है। एंड माय इज द परमानेंट चैरियट हुम आई एंटर, ही इज माय चाइल्ड। कहते हैं त्रिमूर्ति शिव या त्रिमूर्ति ब्रह्मा। They say त्रिमूर्ति शिव और त्रिमूर्ति ब्रह्मा। फिर कहते हैं देव देव महादेव। Then they say देव देव महादेव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? So who is the eldest child? है? शंकर बड़ा बच्चा हुआ। शंकर is the eldest child। कोई भी कंपनी बनाते हैं तो एंड सन्स लिखते हैं ना? When a company is formed, they write एंड सन्स, don't they? ये भी कंपनी है। This too is a company। ये कंपनी बनाए बगैर शिव बाप इस सृष्टि पर कोई काम नहीं करते हैं। Without forming this company, the father Shiv doesn't perform any task in this world। ये मुकर्रर रथ की कंपनी है। This is the company of the permanent chariot। तो वो मन वाला है। He has mind। जिसमें प्रवेश करते हैं वो सदैव अमन नहीं होता, लेकिन मैं तो सदैव अमन हूँ। The one whom I enter isn't always aman, but I am always aman। तो कहता हूँ मन मना भव, मेरे मन में समा जा। So I say मन मना भव, मर्ज इन माई माइंड। ये नहीं कहा मेरे में समा जा। It isn't said मर्ज इन मी। मेरे में समा जाने का मतलब? What is the meaning of मर्ज इन मी? मेरी बिंदी में समा जा। मर्ज इन माई पॉइंट। और बिंदी में समाना होता है क्या? Can anyone merge in the point? वो तो हो ही नहीं सकता। It can't happen at all। तो बताते हैं और जो भी देह के संबंध धर्म हैं, उन सभी धर्मों को छोड़ दो। So he says leave all the religions of the body। एक ही बात पक्की कर दो। Make just one thing firm। इस समय इस दुनिया में देह के बंधन हैं।
देर आर बॉन्डेजेस ऑफ द बॉडी इन दिस वर्ल्ड एट दिस टाइम। मैं तो जिसमें प्रवेश करता हूँ वो स्वतंत्रता का सम्राट गाया हुआ है। द वन हुम आई एंटर इज प्रेस्ड एज द एम्परर ऑफ फ्रीडम। क्या नारा है, स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। वॉट इज द स्लोगन, बी इंडिपेंडेंट एंड लेट अदर्स बी इंडिपेंडेंट टू। तो मैं जो इसके द्वारा नई दुनिया रचता हूँ वहाँ कोई भी देह का बंधन नहीं होता। देर इज नो बॉन्डेज ऑफ द बॉडी इन द न्यू वर्ल्ड विच आई क्रिएट थ्रू हिम। और इस दुनिया में होते हैं देह के बंधन। वेर एज देर आर द बॉन्डेजेस ऑफ द बॉडी इन दिस वर्ल्ड। वो है संबंध की दुनिया और ये है बंधनों की दुनिया। दैट इज द वर्ल्ड ऑफ रिलेशनशिप्स एंड दिस इज द वर्ल्ड ऑफ बॉन्डेजेस। तो अभी ये सब देह के धर्म छोड़ दो। सो नाउ लीव ऑल द रिलीजन्स ऑफ द बॉडी। अपन को आत्मा समझो। कंसिडर योर सेल्फ एज अ सोल। मैं कुमारी हूँ, स्त्री हूँ। आई एम अ कुमारी, अ वुमन। नहीं, नो, मैं तो पक्का पक्का आत्मा हूँ, परमपिता का बच्चा हूँ। आई एम ट्रूली अ सोल, आई एम द चाइल्ड ऑफ द सुप्रीम फादर। ये पक्का निश्चय करना है। यू हैव टू मेक दिस फर्म। ऐसा पक्का निश्चय करेंगे तो बाप की स्थायी याद रहेगी। इफ यू हैव सच फर्म फेथ यू विल हैव द कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ द फादर। हम आत्माओं का बाप आया हुआ है। द फादर ऑफ अस सोल्स हैज कम। क्या? वॉट? अगर देह का बहन आया। If you become body conscious, देह का बांध ज्यादा किसको आता है? Who has more body consciousness? स्त्री चोलेधारियों को आता है या पुरुषों को आता है? Do those having a female body have it more or the males? स्त्री चोले को देह का बांध बहुत आता है। Those having a female body have a lot of body consciousness. तो खास उनको कहा कि भूल जाओ कि मैं क्या हूँ। सो इट इज स्पेशली सेड फॉर देम, फॉरगेट व्हाट आई एम। मैं स्त्री चोलाधारी हूँ। आई एम अ फीमेल। नहीं, नो, मैं तो आत्मा हूँ। आई एम अ सोल। और हम आत्मा का बाप आया हुआ है। एंड द फादर ऑफ अस सोल्स हैज कम। ये सबक पक्का कर लो। मेक दिस लेसन फर्म। इस सबक पर बहुत विचार सागर मंथन करो। चर्न द ओशन ऑफ थॉट्स अ लॉट ओवर दिस लेसन। तुमको अभी ज्ञान अमृत मिलता है। नाउ यू रिसीव द नेक्टर ऑफ नॉलेज। क्या? वॉट? समय वाणी बोली गई, उस समय ज्ञानामृत कहेंगे। विल इट बी कॉल्ड द नेक्टर ऑफ नॉलेज व्हेन दिस वाणी वॉज नरेटेड? क्यों नहीं कहेंगे? स्टूडेंट, नो, वाई वोंट इट बी कॉल्ड दैट? क्योंकि अमृत तो मंथन करके निकलता है। बिकॉज नेक्टर कम्स आउट आफ्टर चर्निंग टेक्स प्लेस। और उस समय जो भी ब्रह्मा के मुख से मोला उन बातों पर गहराई से कोई ने मंथन किया ही नहीं। एंड वॉट एवर वॉज नरेटेड थ्रू द माउथ ऑफ ब्रह्मा एट दैट टाइम नो वन चर्न्ड ओवर इट डीपली। मम्मा ने मंथन किया, वो भी बेसिकली मंथन हुआ। मम्मा चर्न्ड इट बट दैट टू वॉज द चर्निंग एट द बेसिक लेवल। कि हम आत्मा का बाप ज्योति बिंदु है, बस। दैट
द फादर ऑफ अस सोल्स इज अ पॉइंट ऑफ लाइट दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं बढ़े आगे। शी डिडंट गो फर्दर देन दिस। तो बाप कहते हैं ये विचार करना सागर मंथन है। सो द फादर सेज टू थिंक दिस इज टू चर्न द ओशन। क्या विचार करना? टू थिंक व्हाट? कि मैं अमुक आत्मा हूँ। आई एम अ सर्टन सोल। सिर्फ इतना विचार करना मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, ये तो बेसिक नॉलेज है। जस्ट टू थिंक दैट आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सोल इज द बेसिक नॉलेज। बाकी गहराई से भी विचार करना है। एज फॉर द रेस्ट यू शुड ऑल्सो थिंक डीपली। मैं ज्योति बिंदु आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? आई द पॉइंट ऑफ लाइट सोल एंड विच सोल। ज्योति बिंदु तो 500-700 करोड़ सभी कीड़े मकोड़े भी क्या है? ऑल द 5-7 बिलियन सोल्स आर पॉइंट ऑफ लाइट। वॉट आर ऑल द इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स एज वेल? ज्योति बिंदु है, दे आर पॉइंट ऑफ लाइट सोल्स। लेकिन मैं आत्मा कौन हूँ? बट हु एम आई द सोल? इस पर जितना गहराई से विचार करेंगे तो अनेक जन्मों का राज खुलता जाएगा। द डीपर यू थिंक ओवर दिस द सीक्रेट्स ऑफ मेनी बर्थ्स विल कीप रिवीलिंग। ये मंथन करने से अमृत निकलता है। नेक्टर कम्स आउट बाय चर्निंग इट। बाबा कहते हैं रतन निकलते हैं। बाबा सेज जेम्स कम आउट। तो शास्त्रों में लिख दिया है सागर मंथन हुआ तो क्या निकले? रतन निकले। इट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स व्हेन द चर्निंग ऑफ द ओशन टुक प्लेस व्हाट केम आउट? जेम्स केम आउट। बाप ने समझाया है। द फादर हैज एक्सप्लेन्ड। कि बाप रूप भी है तो बाप बसंत भी है। फादर इज ब्यूटी दैट इज रूप एज वेल एज स्प्रिंग दैट इज बसंत। है? दोनों बातें कैसे? हाउ कैन ही बी बोथ? और कौन बाप रूप है और कौन बाप बसंत है? विच फादर इज ब्यूटी एंड विच फादर इज स्प्रिंग? रूप बसंत एक है या रूप बसंत की जोड़ी गई हुई है? आर ब्यूटी एंड स्प्रिंग वन और इज द पेयर ऑफ बोथ फेमस? जोड़ी गई हुई है। द पेयर इज फेमस। वो रूप बसंत बाप ज्ञान की बरसात बरसाते हैं। दैट फादर हु इज ब्यूटी एज वेल एज स्प्रिंग शॉवर्स द रेन ऑफ नॉलेज। बाकी और कोई इंद्र नहीं है? देर इज नो अदर इंद्र। कौन है इंद्र? हु इज इंद्र? इंद्र माने क्या? वॉट डज इंद्र मीन? इंद्र माना राजा। इंद्र मीन्स किंग। जो पहले पहले अपनी इंद्रियों के ऊपर राजाई करता है। द वन हु रूल्स ओवर हिज इंद्रिया फर्स्ट। उस इंद्र का काम है विचार सागर मंथन करके ज्ञान की बरसात करना। द टास्क ऑफ दैट इंद्र इज टू चर्न द ओशन ऑफ थॉट्स एंड शॉवर द रेन ऑफ नॉलेज। वो ज्ञान सागर होने के कारण ज्ञान की बरसात करते हैं तुम बच्चों पर। ही शॉवर्स द रेन ऑफ नॉलेज ऑन यू चिल्ड्रन बिकॉज ही इज द ओशन ऑफ नॉलेज। वो एक ही ज्ञान सागर है। ही अलोन इज द ओशन ऑफ नॉलेज। नहीं तो मनुष्यों ने तो सागर का भी बंटवारा कर दिया है। Otherwise, human beings have divided even the ocean. कितने सागर बनाए दिए? How many oceans have they created?
ये सात सागर कहाँ से हो गए? हाउ डिड द सेवन ओशंस इमर्ज? है सात विधर्मी है तो सात उनके धर्म पिताएं हैं और उन धर्म पिताओं के फॉलोअर्स उनको सागर समझते हैं। देर आर सेवन विधर्मीज सो देर आर सेवन रिलीजियस फादर्स रिलेटेड टू देम एंड देयर फॉलोअर्स कंसिडर देम टू बी द ओशंस। तो सात ज्ञान सागर नहीं है, ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। सो देर aren't सेवन oceans ऑफ नॉलेज, ओनली द वन फादर इज द ocean ऑफ नॉलेज। वो बाप तुम पर ज्ञान की बरसात करते हैं। दैट फादर शोवर्स द रेन ऑफ नॉलेज ऑन यू। ये ज्ञान की पढ़ाई है। दिस इज द स्टडी ऑफ नॉलेज। बाकी कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि जो भी है मैं उनको नहीं जानता हूं, क्योंकि ये सभी भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। एज फॉर द रेस्ट ही सेज आई डोंट नो द वेदास स्क्रिप्चर्स एंड सो ऑन बिकॉज ऑल दीज आर द स्क्रिप्चर्स ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति। कहाँ से आए? वेयर डिड दे कम फ्रॉम? है ये शास्त्र कहाँ से आए? वेयर डिड द स्क्रिप्चर्स कम फ्रॉम? है एक मुख से आए या अनेक मुखों से आए? डिड दे कम थ्रू वन माउथ और थ्रू मेनी माउथ्स? रावण का है मुख से आते हैं शास्त्र। स्क्रिप्चर्स कम फ्रॉम द माउथ ऑफ रावण। माने भक्ति आती है रावण से और ज्ञान आता है राम के मुख से। इट मीन्स भक्ति कम्स फ्रॉम रावण एंड नॉलेज कम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ राम। एक मुख से आता है ज्ञान और अनेकों मुखों से आता है अज्ञान भक्ति। नॉलेज कम्स फ्रॉम वन माउथ एंड इग्नोरेंस भक्ति कम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ मेनी। तो मैं तुमको ज्ञान पढ़ाता हूँ। सो आई टीच यू नॉलेज। फिर जो भी ये अज्ञान रूपी छोटे छोटे सागर हैं वो सब खलास हो जाते हैं। देन ऑल दी स्मॉल ओशंस विच आर इन द फॉर्म ऑफ इग्नोरेंस गेट डिस्ट्रॉयड। और धर्म स्थापन करने वालों का शास्त्र रहता है। एंड द स्क्रिप्चर ऑफ दोज हु एस्टैब्लिश रिलीजन रिमेन्स। वो लोग भी कोई खुद शास्त्र थोड़े ही लिखते हैं। दे टू डोंट राइट द स्क्रिप्चर्स देमसेल्व्स। उन्होंने जो कुछ बोला उनके फॉलोअर्स ने बहुत वर्षों के बाद लिख दिए। वॉट एवर दे सेड देयर फॉलोअर्स रोट इट आफ्टर मेनी इयर्स। वो शास्त्रों को क्या पढ़ेंगे? वॉट इज द यूज ऑफ रीडिंग दो स्क्रिप्चर्स? जब बहुत हो जाए तब बात बने। इट इज यूजफुल वेन द पॉपुलेशन इंक्रीजेज अ लॉट। तो यहाँ पढ़ने वाले बहुत हो जाते हैं। सो हियर देयर आर मेनी हु रीड। ये बातें तुम बच्चे समझते हो कि इतना कुछ जो विस्तार ज्ञान का होता है। यू चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दिस दैट सो मच ऑफ एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज दैट टेक्स प्लेस। आगे चल के जो टाइम आने वाला है उसमें पढ़ने लिखने और छपाने का टाइम रहेगा। विल देयर बी टाइम टू रीड राइट एंड प्रिंट इन फ्यूचर? टाइम ही नहीं रहेगा इतने को पढ़ने का। देयर वोंट बी टाइम एट ऑल टू रीड सो मेनी ऑफ देम। फिर भी कहते हैं ये पढ़ाई तो बहुत सहज है। स्टिल ही सेज दिस स्टडी इज वेरी इजी। कोई भी पढ़ सकता है। एनी वन कैन स्टडी इट। बच्चों की बुद्धि में भी बैठ सकता है, बूढ़ों की बुद्धि में भी बैठ सकता है। इट कैन सिट इन द इंटेलेक्ट ऑफ द चिल्ड्रन एंड इट कैन सिट इन द इंटेलेक्ट ऑफ द ओल्ड पीपल एज वेल। कोई धर्म वाले की बुद्धि में ये ज्ञान बैठ सकता है। दिस नॉलेज कैन सिट इन द इंटेलेक्ट ऑफ दोज बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन। लूले लंगड़े अंधे कोड़े कानी कुब्जे कोई भी हो इस ज्ञान को सब सहज रूप से समझ सकते। नो मैटर हु इट इज
crippled, lame, blind, leper, one-eyed, hunchbacked, anyone. Everyone can understand this knowledge easily. अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति।